please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और जिनकी अगवानी में खुद आकाश अंबानी मशरूफ दिखे, आकाश अंबानी और श्लोका मेहता को शुभकामना देने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और खेल जगत के कई बड़े चेहरे पहुंचे, जिनमें शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ शामिल हुए। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा अपने दोस्त निक जोनस के साथ पहुंची। आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, विधु विनोद चोपड़ा और करण जौहर जैसे बड़े नाम भी इस पार्टी में शामिल हुए। इनके साथ पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ पहुंचे। वहीं राज ठाकरे और नारायण राणे जैसे राजनेताओं ने भी पार्टी में शिरकत की। गुजरात के वडोदरा में दिन दहाड़े बदमाशों ने एटीएम में पैसे डालने आए कर्मचारियों पर हमला करके कैश भरा हुआ बैग छीन लिया। चाकू और पिस्तौल से लैस बदमाशों ने के ऊपर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायरिंग की, मगर इसके बावजूद भी लुटेरे भागने में कामयाब रहे। लूट की यह घटना वडोदरा के पॉच माने जाने वाले करीली बाग इलाके में हुई है, जहां पर एचडीएफसी बैंक के एटीएम में पैसे डालने के लिए जैसे ही एजेंसी के आदमी पहुंचे, तभी वहां पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया और पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में अभी तो प्राइमरी तौर पर इतना मैं बोल सकता हूं कि सीसीटीवी कैमरा में काफी कैद हुआ है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, हमको ये सपोर्ट काफी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सचिवालय के बाहर एक सुरक्षाकर्मी और एक इंस्पेक्टर के बीच मारपीट होने लगी। आरोप है कि गाजीपुर में तैनात LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का इंस्पेक्टर सचिवालय में बिना पास के घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया, जिसके बाद LIU का इंस्पेक्टर वहां तैनात एक सुरक्षाकर्मी से बहस करने लगा। इसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगी। सुरक्षाकर्मी ने जबरन सचिवालय में घुसने की कोशिश कर रहे इंस्पेक्टर को जमीन पर गिरा दिया, जबकि जमीन पर गिरा इंस्पेक्टर सुरक्षाकर्मी को पैर से मारने लगा। इस बीच वहां कई सुरक्षाकर्मी पहुंच गए और दोनों को अलग किया। ये सरकारी कर्मचारी को मारेगा, मैं लिखाता हूं मुकदमा इस पर, खिलाफ एसएससी का लिखाता हूं मुकदमा, इसकी हालत खराब कर दूंगा। इसके बाद LIU इंस्पेक्टर सुरक्षाकर्मी को धमकी देने लगा। बाद में वहां मौजूद पुलिस वाले LIU के इंस्पेक्टर को पकड़कर अपने साथ ले गए। यूपी के फतेहपुर में एक नौजवान अपनी बीमार माँ को गोद में लेकर DM के दफ्तर में पहुँच गया। पैसे की तंगी की वजह से लाचार उस नौजवान ने आरोप लगाया कि उसके पिता की पिटाई के कारण उसकी माँ बीमार हो गई, जिसके इलाज के लिए DM से मदद मांगने के लिए वो उनके दफ्तर पहुंच गया। उस नौजवान और उसकी बहन ने वहां मौजूद अधिकारियों से अपनी माँ के इलाज के लिए मदद देने की गुहार लगाई। हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर ने जवाब लगा दिया। दोनों ने ये भी आरोप लगाया कि पिता की पिटाई के कारण उनकी माँ की ये हालत हो गई। मामला समझने के बाद अधिकारियों ने पहले उन्हें बीमार माँ का इलाज करवाने की सलाह दी। पहले इनका इलाज करवाइए। इसके बाद नौजवान अपनी माँ को लेकर DM के कमरे से बाहर निकल गया। अफसरों ने उसकी माँ को अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई और मारपीट करने वाले पिता के खिलाफ कार्रवाई का भी भरोसा दिया। अभी पहले इनका इलाज करा ले, अगर कोई अभियोग बनता है, कोई अपराध बनता है, तो निश्चित मुकदमा कायम होगा। अफसरों से हमदर्दी मिलने के बाद नौजवान और उसकी बहन को अपनी माँ का इलाज होने की उम्मीद बंधी। बाद में महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। मथुरा में बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला के गले से चेन छीन ली। यूपी के मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर दो बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला के गले से चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। बिहार में पटना की मौर्या कॉम्प्लेक्स की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में तैनात डिप्टी मैनेजर को 86 लाख रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने लूट और रंगदारी से जुड़े कई मामलों में आरोपी बदमाश गोरख यादव समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चार बदमाश भागने में कामयाब हो गए। यूपी के सुल्तानपुर में पैसेंजर ट्रेन में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने जोजो गैंग से जुड़े 7 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया। कुछ पैसे भी मिले हैं इनके पास में और इनके मोबाइल सारे रिकवर हुए हैं और 2 तमंचे इनके पास बरामद हुए हैं। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने 8 महीने पहले हरिद्वार में 35 करोड़ की एक जमीन को लेकर गैंगवॉर में हुई एक सुशील नाम के शूटर की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के हरदा में एक यात्री ने कुशीनगर एक्सप्रेस में वेंडर पर पैसों को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरे भाई को मारा और मैं अपने भाई को बचाने के चक्कर में गया तो मुझे भी मारे और मेरे पापा है तो उनको भी मारे। बिहार के कटिहार में कोर्ट परिसर में एक लड़का वहां शादी करने पहुंचे एक दूसरे लड़के को खींच कर ले जाने लगा। आरोप है कि शादी करने कोर्ट पहुंचा लड़का पहले से शादीशुदा था और दूसरी शादी करने कोर्ट पहुंचा था, जिसकी जानकारी मिलते ही उसकी पहली पत्नी का भाई वहां पहुंच गया और अपने बहनोई को खींचकर वहां से ले जाने लगा। इस दौरान शादी करने पहुंची लड़की और पहली पत्नी के भाई के बीच जमकर बहस हुई। कोई किसी को ऐसा नहीं छोड़ता, समझ गया? जा, तू आजा,
हंगामा बढ़ता देख वहाँ मौजूद वकील बीच बचाव करने लगे। हमारी बहन को ये छोड़ा नहीं है, ये दूसरा शादी करना चाह रहा है। किसके साथ करना चाह रहा है? ये लड़की के साथ, इनका मुझे नाम पता नहीं है। इसके साथ इसकी शादी कब हुई है? इनके साथ 3 साल हो गया। दूसरी शादी करने पहुँचे लड़के ने भी अपनी पहली पत्नी पर टॉर्चर करने का आरोप लगा दिया। मैं बहुत टॉर्चर करता था, कभी तेल डाल लेता था, हम तो घर में नहीं रहते थे, दिल्ली में रहते। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी को पकड़कर थाने ले गई, जहां पूछताछ के बाद सबको छोड़ दिया गया।